1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए। किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। और उनको जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, ISI का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहाँ रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लेंगे? निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक है? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक को? अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चलेगा, फिर से वो राष्ट्रगीत का विद्रोह करेंगे, कहें कि राष्ट्रगीत ना गाया जाए? इस पर निश्चित रूप से जो नहीं गाएंगे, और ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अगर कोई नहीं पालन करता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उनके सदस्यता को रद्द कर दें। इस देश में रहकर राष्ट्रगीत ना गाने को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है बिल्कुल अपमान है? और राष्ट्रगीत में क्या है? जल की वंदना है, भूमि की वंदना है, वृक्ष की वंदना है, पुष्प की वंदना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पानी नहीं पिए। वो कह रहे हैं राष्ट्रगान से नहीं, राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत से उनको उन लोगों का एजेंडा है, वो लोग अपने एजेंडा पर काम करते हैं। अपना एजेंडा ला रहे हैं कौन? हमारा देश है तो अपना एजेंडा नहीं चलावेंगे? ये देश हमारा है, उनको तो देश दे दिया गया। क्या एजेंडा है उनका? क्या उनका क्या एजेंडा? उनका एजेंडा है जो संपूर्ण विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना। आजकल एक दौर चला हुआ है भाई, देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लो, जो देंगे वो देशभक्त, जो नहीं देंगे वो देशभक्त नहीं। एक NDA के कोई विधायक हैं, नीतीश जी के BJP के कोई विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट ले लो। सब आप मतलब हद है, अद्भुत है। इस देश की आज़ादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सब लोगों ने बलिदान दिया। हाँ, लेकिन RSS वालों ने नहीं दिया। ये तिरंगा की बात करते हैं, 2001 के बाद से झंडा फहराया गया नागपुर में। बात करते हैं तिरंगे की, जय हिंद की। क्या बकवास बातें महोदय! ऐसा एक बार लोग भूल गए, लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यही बिहार की धरती है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। और महोदय, अभी लालू जी के सिपाही लोग खड़े हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय, किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति जो इस सदन में मौजूद नहीं है उसकी चर्चा आप गरिमापूर्ण पद पर बैठे हैं और प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। कुछ गलत कहा ही नहीं। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन ताजुब होता है, धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और मुख्यमंत्री जी बस बैठे हुए ताली ठिपठिपा रहे, चुप बैठे। मुख्यमंत्री जी, आप हमको कहे थे ना RSS वाला खतरनाक है, आज ये खुलेआम ही लोग कर रहे हैं। आपके रहते हुए आप तो बात की बात करते थे। आप ये प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा किसी भी संस्था का नाम। अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या गलत बात है?